दबाव में ना होते तो पूछताछ हो रही होती, दबाव में ना होते तो नाबालिग बेटी ने जो आरोप लगाए हैं पोक्सो में FIR है, जेल में होता हुआ। पूरा देश इन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ेगा और यहाँ जंतर मंतर पे नहीं हर एक जगह पे जाएगा। कि एक बार विधायक अगर बन जाए तो फिर पुलिस तो क्या, बड़े बड़े अधिकारी भी उनके यहाँ जाने से डरते हैं। तो राम रहीम की तरह इनका हाल होगा, उसी तिहाड़ जेल के अंदर उसी साइड में जाएंगे, राम रहीम के स्थान पर वो बगल में बैठेंगे और राम रहीम को तो सपने में भी आ गया कि ब्रिजभूषण आने वाला मेरे बगल में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गुड्डू भाई जो बिहार से आए हैं अपना यहाँ इन बेटियों का समर्थन लेके। आज लगातार 17वां दिन है और उनकी मांग एक ही है, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी। तो आज आप इनके समर्थन में आए, क्या कुछ कहेंगे? जी हम आज देश की बेटियों के समर्थन में हैं। इससे पहले यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पे बहुत सारे धरने हुए हैं, बहुत सारे लोगों का हुआ, राजनीतिक हुई है, लेकिन उसमें हमारी जहाँ तक अपनी सोच है कि मैं नहीं आ पाया, लेकिन यहाँ पे आज देश की बेटियों की इज्जत की सवाल है, इसलिए मैं आया हूँ और मैं जब तक मेरे अंदर सांस है मैं आऊँगा देश की बेटियों के खिलाफ। जब जब ये ताकतवादी लोग, जब जब ये क्रूर शासक अपनी सत्ता के यूज करेंगे तब तक हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे और पूरा देश यहाँ पे आएगा और इनके समर्थन में था, है और रहेगा। क्या लगता है आपको, क्यों अब तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है? ये जो व्यक्ति बिहार में एक बार, जैसा कि मैं बिहार से जानता हूँ कि एक बार विधायक अगर बन जाए तो फिर पुलिस तो क्या, बड़े बड़े अधिकारी भी उनके यहाँ जाने से डरते हैं और ये 6 बार का सांसद है तो ऐसा क्यों है कि लोग, सरकारें डरती हैं, ऐसा कौन सा तोप है? लोग नहीं डर रहे हैं, कोई लोग नहीं डर रहे हैं इनसे, ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि ब्रिजभूषण से लोग डरता है, कोई ऐसा डरता नहीं है। लोग कानून का सम्मान कर रहा है, जिस दिन सम्मान करना छोड़ देगा, जिस दिन आप, एक बिहारी में कहावत पर है, कहावत है जो घर में कुछ रहे या ना रहे चूल में तेल जरूर होता है, तो जिस दिन लोग कानून का सम्मान करना छोड़ देंगे ना उस दिन ये कुछ नहीं है। इनसे इनसे बहुत बड़े बड़े भूप इस धरती पे आए हैं और गए हैं। आप अपना समर्थन कहाँ से लेके आए हैं इन बेटियों के लिए? मैं अपना समर्थन प्रयागराज इलाहाबाद यूपी से लेके आया हूँ। आज आप पहली बार? नहीं, तीसरा दिन है मेरा, लगातार तीसरा दिन। क्या लगता है आपको, इनके साथ न्याय होगा? मैम एक चीज आप मान लेना, जिस देश में, जिस देश की बेटी का भाई और बाप जमीन पर उतर जाए उसको इंसाफ मिलता है। अंतिम क्षण तक कोई भाई और कोई पिता अपनी बेटी की लड़ाई को ऐसे नहीं छोड़ता, वो पूरे जीवन तक उसकी जिम्मेदारी का क्रिया कसम सब कुछ खा के रखता है, अपने सुख को त्याग सकता है मगर अपनी बेटी का, अपने बेटे का सुख को ऐसे आंसुओं के रूप में नहीं देखने देगा। कानून व्यवस्था पे कितना भरोसा है? कानून व्यवस्था पे अगर मैम विश्वास होता, आप एक महिला हैं, महिला के नाते आपको जोर शोर से आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं तो हो सकता किसी की भी बारी कभी भी आ जाए। हम ये उम्मीद नहीं करते मगर ये दुर्भाग्य है देश के अंदर कि ऐसा हो रहा है। जब उनके ब्रिजभूषण जी के ऊपर 38 FIR पहले थी, 2 और हुई पोक्सो एक्ट के तहत हुई, तो 24 घंटे के दायरे में गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ब्रिजभूषण जी के पास तो नैतिकता नहीं है मगर इस दिल्ली पुलिस के अंदर थोड़ी सी नैतिकता बची है, तो उनको तत्काल यहां से जाके अरेस्ट करके ले आए। छोटे से छोटे मुकदमे में यहां से बिहार से लेके हर प्रांत में जाके दिल्ली पुलिस उठा लाती है। क्यों आखिर गिरफ्तारी नहीं हो रही? क्योंकि यहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी के संरक्षण में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संरक्षण में और JP नड्डा जी के संरक्षण में ब्रिजभूषण पल रहे, फूल रहे हैं, अब मंदिर जा रहे हैं, माला पहन रहे हैं। ब्रिजभूषण तो कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। हम एक चीज ब्रिजभूषण जी को बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि जब राजनीति की आपने शुरुआत की थी तो अमित शाह से, JP नड्डा जी से और गृह मंत्री अमित शाह से पूछा था कि मैं अपना करियर इस जमीन के अंदर, इस धरती के अंदर लगाने जा रहा हूँ, कल आप मुझे टिकट देंगे कि नहीं देंगे? तब इन्होंने पूछा था ये बात, किसी भी पार्टी में थे या होंगे, अभी भी हैं BJP में, तो ये पूछें, ये अपने आप एक सवाल है, खुद पूछ के देखें कि क्या ये JP नड्डा जी से पूछे थे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से पूछे थे, नहीं पूछे थे? तो आज उनको इस्तीफा अपने आप दे देना चाहिए, नहीं तो राम रहीम की तरह इनका हाल होगा, उसी तिहाड़ जेल के अंदर उसी साइड में जाएंगे, राम रहीम के स्थान पर वो बगल में बैठेंगे और राम रहीम को तो सपने में भी आ गया कि ब्रिजभूषण आने वाला मेरे बगल में। जांच को रोक कौन रहा है? अगर सब जांच चाहते हैं, जांच के पक्ष में हैं, तो जांच रोक कौन रहा है? गिरफ्तारी को कौन रोक रहा है? पोक्सो के अंदर नाबालिग बेटी के ऊपर आरोप लगे हैं, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी ना पोक्सो के अंदर। सांसद है, सत्ता का पूरी तरह संरक्षण प्राप्त है, आप क्या
समझ रहे हैं, छोटा मोटा वो कोई भाजपा का नेता नहीं है सड़क पे चलने वाला, भाजपा का सांसद है, भाजपा की सत्ता है उसके पास उत्तर प्रदेश और यहाँ पर। हाथ लगाना आसान नहीं है ये उन्होंने बता दिया आपको। पुलिस भी बोल रही है, देखिए वो हमारी बेटियां हैं, बेटियां हैं, है ना, और बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, न्याय मांग रही हैं, और आप उनको न्याय देने की बजाय उनका चरित्र हनन कर रहे हैं। मुझे दुख है कि मैं 25 दिन कर्नाटका में थी और रात को लौटी हूँ, और वायदा था जंतर मंतर पहले दिन पहुँचूंगी, पहुँच चुके और हर तरीके से खड़े और न्याय मिलने तक नहीं चलेगी। दबाव है, सत्ता का पूरा दबाव है कि ये खबर नहीं चले, पर मैं कर्नाटका से आई हूँ, कन्नड़ भाषा की सारी अखबारें हमारी बेटियों के साथ खड़ी हैं, वहाँ पर पूरी छप रहा है। तो क्षेत्रीय जो मीडिया है वो दिल्ली की ये सत्ता के दबाव में नहीं है, वो सच्चाई दिखा रहा है। पुख्ता तरीके से उनका विरोध कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत प्रदर्शन हो रहा है। देखिए बात यह है कि अब कानून की लड़ाई एफआईआर हो गई है, पुलिस को अपना काम करना चाहिए, लड़ाई सड़क से अब अदालत के अंदर होनी चाहिए। मालिक बेटी का पॉक्सो में उसमें आरोप लगे हैं, तुरंत 24 घंटे में पूछताछ गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस दुर्भाग्य है, देश देख रहा दबाव में काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे खोल दिए एफआईआर करने के बाद, अब इन दरवाजों को बंद तब होंगे जब न्याय मिल जाएगा, और इन बंद दरवाजों में नहीं बंद सलाखों में न्याय मिलेगा जब देश उठ खड़ा होगा अपनी इन बेटियों के साथ, न्याय मिलेगा। सत्ता को झुकना पड़ेगा, वो अन्नदाता भी अपनी बेटियों के साथ खड़ा हो गया है, जिस अन्नदाता ने इसी अहंकारी तानाशाह सत्ता को घुटनों पर लाकर 3 कृषि कानून वापस लिए हैं। अब यही लोग मिलकर एक बार फिर देखेंगे कि ये तानाशाह सत्ता झुकेगी इन बेटियों के सामने। दबाव में ना होती तो एफआईआर कराने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता, दबाव में ना होती तो क्या अभी तक ब्रजभूषण भाजपा के सांसद गिरफ्तार ना हो गए होते, दबाव में ना होते तो पूछताछ हो रही होती, दबाव में ना होते तो नाबालिग बेटी ने जो आरोप लगाए हैं पॉक्सो में एफआईआर है, जेल में होता। कांग्रेस की भी कई राज्यों में सरकार है, वहाँ भी मामलों को मिक्स मत करिए। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वहाँ का अपनी पुलिस, अपनी सरकार है, ये दिल्ली की लड़ाई है, इसको उससे मिलाइए मत। मामले हजारों हैं देश में, मामले हजारों, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, यौन शोषण हो रहे हैं, बेटियां न्याय मांग रही हैं, अदालतों में तारीख पे तारीख मिल रही है, लड़ाई बहुत बेटियां लड़ रही हैं, और उन सभी बेटियों को ताकत देने का काम जंतर मंतर पे बैठी हमारी बहादुर बेटियां देंगी। बुलडोजर सिस्टम, गोली मारने वाली देखिए मेरी बात सुनिए, जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा देते हैं, तो हमने नहीं कहा आप राजनीति कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको वो नारा याद दिलाते हैं और न्याय की उम्मीद करते हैं, और आप हमें उस नारे की याद दिलाना, न्याय की उम्मीद करने को राजनीति कहेंगे, तो देश को इस राजनीति की सख्त जरूरत है, क्योंकि बेटियों की इज्जत दांव पर आ गई है। बहन बेटियों के जो सम्मान का मामला है, हम लोग उसके यहाँ बैठे हुए हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलता हम लोग यहीं रहेंगे। क्या लगता है आपको, इन्हें न्याय मिल पाएगा? नहीं लगता क्या, हम लोग को न्याय लेकर ही रहेंगे ना, हमको चाहे सरकार 2 दिन 4 दिन 2 महीने 4 महीने जो भी चलाना चाहे, इस आंदोलन को चलाता रहे, वो जब तक न्याय नहीं देगा जब तक हम लोग लगातार संघर्ष में रहेंगे, और ये जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और रहेंगे, और चाहे जितने लोग आए जाए, और मीडिया जो बाहरी मीडिया जो गोडी मीडिया है वो लगातार यहाँ जात का और किसी राज्य का मामला बताकर जो है गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम लोग लगातार इस पर भी ध्यान दे रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है, मंच से ये सब चीज़ों को डायरेक्शन दिया गया है कि कोई ऐसी बात नहीं है, न राजनीतिकरण है, हम लोग लगातार इस पर देख रहे हैं। और खासकर आज सुबह एक दृश्य देखने को मिला, एक लड़की बैरिकेड जंप करके आती है और कुछ उसके बाद ड्रामा चालू हो जाता है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो उसी समय लाइट भी चली गई थी, मैं भी वहाँ बैठा था, देखा हूँ कि वो लड़की को जब इधर दिख रहा है गेट है,
तो उधर से कूदने की कोई जरूरत नहीं थी। फिलहाल वो पर्सनल कोई मामला लेकर बता रही है और कुछ बता भी नहीं पा रही है और बाद बाद में जो है झगड़ा करने लगती है, तो इस वजह से उसको हटाया गया। कोई किसी प्रकार का इशू नहीं है उस पर। तो कोई ऐसा नहीं है कोई साजिश के तहत ये करवाया गया क्या, ताकि ये पहलवानों का जो धरना है ये कमजोर पड़ जाए? साजिश तो कई बार हुई भाई लगातार, वो भी बता रहे हैं जो पहलवान भी बता रहे हैं। अभी रात में 3 बजे 3 तारीख को जब रात में जो है यहाँ कुछ उपद्रव फर्जी किया गया और बहन बेटी जो यहाँ बैठी हुई है प्रशासन की सुरक्षा में वही लोग बदतमीजी करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो ही है। साजिश चल रही है, लाइट काट दी जा रही है। अब बताइए यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, लाइट नहीं रहेगी इस गर्मी में तो क्या होगा, समस्या तो वही है जी। आज 17वां दिन है इनको धरना प्रदर्शन देते हुए। यही बेटियां जब एक तरफ मेडल जीत के आती हैं, देश का तिरंगा लहरा के आती है, तो प्रधानमंत्री मोदी इन्हें घर बुलाते हैं, चाय पे बुलाते हैं, अपनी बेटियां मानते हैं, और आज इन्हें देखने तक नहीं आ रहे, पूछने तक नहीं आ रहे। नहीं तो जिसको माँ बोले उसकी दुर्गति करवा दिए, जिसको बेटी कह रहे हैं उसको भी दुर्गति हो रही है। आप देखिए सड़कों पर रोने के लिए मजबूर हैं लोग, न्याय मांग रहे हैं। किस बात का न्याय कि हमारे साथ जो है शोषण हुआ है? एक दो नहीं है, अभी बताइए विनेश जी ने बताया इस बात को कि 100-200 की बात नहीं है, हजारों महिलाओं के साथ ऐसा हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश में, इसको बात को समझना चाहिए, पूरा देश समझ भी रहा है, और मोदी को इस बात के लिए बोलना पड़ेगा। और वोट की राजनीति को छोड़कर जो भूमाफिया और जो माफिया हैं ये लोग, इनको जो है अपनी सरकारों में जो बैठा के रखे हम लोग देख रहे हैं, और इनको जब तक जेल नहीं भेजा जाएगा जब तक हम लोग इसमें उठने वाले नहीं। ब्रजभूषण वीडियो जारी कर रहे हैं, तमाम बयान दे रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग उन्हें समर्थन कर रहे हैं उनके साथ अच्छा नहीं होगा, तो ये सरेआम लोगों को धमकाना। वो तो माफिया है ही हैं, उनके पास 38 मुकदमे ऐसे थोड़ी ना है, 38 मुकदमे ऐसे नहीं लगे हैं। उनको पता है कि जो है इस तरह की धमकी दी जाएगी, शायद कुछ लोग नहीं जाएंगे, लेकिन बहन बेटियों के सम्मान के लिए हम लोग जान भी देने के तैयार हैं। कुछ भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इससे समझौता नहीं किया जाएगा। क्यों अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, या फिर वो अपनी सांसद ही क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों सरकार अपनी चुप्पी साधी है? सबसे बड़ी चीज है बीजेपी को 24 में शायद नुकसान होगा, इस वजह देख रहे हैं क्योंकि वो 6 बार का सांसद है और वहाँ खासा प्रभाव है उनका अपने क्षेत्र में। ये जो बेटियाँ यहाँ बैठी हैं इन्हें न्याय नहीं मिलेगा तो नुकसान नहीं होगा? तो देश अभी तो वो चेक कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि पूरा देश इन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ेगा, और यहाँ जंतर मंतर पे नहीं हर एक जगह पर जाएगा। हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश से हैं, हर एक जिलों में हम लोग जहाँ जहाँ भी हैं हम लोग जाएंगे, और वहाँ ज्ञापन के माध्यम से वहाँ भी आवाज़ उठाई जाएगी, प्रेशराइज किया जाएगा कि भाई बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचेगी तो हम लोग को रहने न रहने से कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक सत्ता ये सब चीजें आती जाती रहेंगी, पार्टी आती जाती रहेंगी, लेकिन सम्मान नहीं जाना चाहिए। जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो व्यवस्थापिका और जो कार्यपालिका कहीं ना कहीं पर फेल हो रही है, इसीलिए अब न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये विशेष रूप से निवेदन भी करता हूँ कि सुओ मोटो के तहत जो है स्वतः संज्ञान ले, आरोपियों की गिरफ्तारी करवाएं, और साथ ही साथ जो है उसके बाद में कोर्ट ट्रायल होना चाहिए, उसके बाद में कोर्ट तय करे कि जो ब्रजभूषण है वो निर्दोष है या दोषी है।